असम की चाय का जो फ्लेवर है दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द फ्लेवर ऑफ द दार्जिलिंग टी और द नीलगिरी टी। तो चलिए सबसे पहले आज मैं आपको बताती हूँ कि एक बढ़िया प्याला असम की चाय कैसे बनाई जाए। मैं ले रही हूँ तकरीबन एक कप 200 ml ऑफ वाटर और इसे अब हम हीट करेंगे। पानी पूरी तरह से बॉइलिंग पे नहीं आना चाहिए, बस बॉइलिंग से पहले थोड़ा सा हम इसे बंद कर देंगे और अगर ये बॉइल हो गया तो इसको 3 से 4 मिनट के लिए आप पहले ठंडा होने दीजिए। पानी गर्म हो गया है, इसे बंद कर दूंगी और अब डालूंगी इसमें मैं एक छोटा चम्मच असम टी लीव्स। आप कितनी देर के लिए इन टी लीव्स को इसमें स्टीप करते हैं उस पर डिपेंड करेगा इसका फ्लेवर, जितना आप स्ट्रॉन्ग चाहें, यानी कि 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट जितनी देर छोड़ेंगे उतना फ्लेवर आएगा। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर का पानी इस्तेमाल करेंगे इसका फ्लेवर काफी एस्ट्रिंजेंट हो जाएगा एंड आई एम श्योर आप वो बिल्कुल नहीं एंजॉय करेंगे। मुझे अपनी चाय बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लेकिन फ्लेवरफुल अच्छी लगती है, इसलिए अब मैं इसे छान लेती हूँ। तो अब मेरी असम टी तो तैयार है, टाइम है इसके साथ कुछ डेजर्ट बनाने का। तो चलिए बनाएंगे हम चाय क्रेम ब्रूले। क्रेम ब्रूले एक फ्रेंच डेजर्ट है जिसमें मैं दे रही हूँ अपना ट्विस्ट, यानी कि असम टी का फ्लेवर। लूंगी मैं आधा कप दूध और इस आधा कप दूध को गर्म कर लूंगी। याद रखिएगा हमें इसे रोलिंग बॉइल पे बिल्कुल नहीं लाना है, अगर ये बॉइल हो जाए तो इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, तब डालेंगे हम इसमें अपनी ब्राउन टी लीव्स। दूध गर्म हो गया और अब इसमें डाल रही हूँ मैं आधा चम्मच असम टी लीव्स। इसी के साथ साथ मैं इसमें एक छोटी सी चुटकी टी मसाला यानी कि चाय मसाला की भी डाल रही हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बोल में मैं ले रही हूँ 3 अंडे। सो आई एम टेकिंग ओनली द एग योक्स। अब इन एग योग्स में मैं ऐड करूंगी 3/4 cups ऑफ ब्राउन शुगर और इसे अच्छे से विस्क कर लूंगी। शुगर सारी मिक्स हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी हल्की सी एग योग्स के साथ। सो यू सी इस क्रेम ब्रूले में वनीला की जगह मैंने क्या फ्लेवर यूज किया, मैंने यूज किया असम टी का फ्लेवर। सो व्हेन योर मिक्सचर टर्न्स अ लिटिल फ्लफी अ लिटिल पेल, इसमें ऐड करूंगी 400 ग्राम क्रीम। मिक्स द क्रीम इन। जब ये शुगर एग्स और क्रीम का मिक्सचर एकदम होमोजेनियस हो जाएगा यानी आपस में अच्छे से मिल जाएगा, काफी लाइट हो जाएगा, थोड़ा फ्लफी हो जाएगा, और अब इस मिक्सचर को मैं अपने पैन में स्ट्रेन कर लूंगी। So I have a beautiful flavor of the tea and also this is what is going to make it so very different. मेरे पास है यहाँ पर ये ramekin bowls. इन ramekin bowls को मैं 3/4 तक इस mixture से fill कर लूंगी। अब एक baking tin को मैं halfway through पानी से भरूंगी। और इसमें अपने रामकिन्स को रखेंगे और अब एक प्री हीटेड ओवन में 165 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैं इसे बेक कर लूंगी फॉर अप्रोक्सीमेटली 35 to 40 मिनट्स, या तब तक जब तक ये सेट नहीं हो जाता। ब्रूले को थोड़ी देर ठंडा होने देंगे और इसके बाद इसे मैं रेफ्रिजरेटर में रख दूंगी 2 घंटे के लिए ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। क्रेम ब्रूले अच्छे से सेट हो गया है और अब इसका फाइनल स्टेप, मैं डालने वाली हूं इसके ऊपर
थोड़ा सा ब्राउन शुगर और मैं इस ब्राउन शुगर को एक ब्लो टॉर्च के साथ कैरमलाइज कर लूंगी। अगर आपके पास घर में ब्लो टॉर्च ना हो तो बस आप इसे 200 डिग्री प्रीहीटेड ओवन में टॉप रैक में केवल 3 से 4 मिनट के लिए रख दीजिए। शुगर कैरमलाइज हो जाएगी और इसे एक बहुत खूबसूरत सा कलर देगी। Look at that beautiful caramelized color on the top. Or ab mint leaves. That is going to be my final garnish. Just one leaf of mint will do the work. So I have a beautiful plate ready over here. Mera ek creme brulee yahan aur ek ko to main taste zarur karungi. तो ये था मेरा आज का आसाम का मेन्यू। हमारा ये 3-course meal ट्रेडिशनल भी था, न्यूट्रिशियस भी और लिप स्मैकिंग भी। इसमें आसाम टी का ब्रिस्कनेस और मल्टी फ्लेवर बहुत उभर के आ रहा है। एब्सोल्युटली यमी। मैं इसको और टेस्ट करती हूँ और आप जल्दी से देख लीजिए इसका रिकैप। टी क्रेम ब्रुले बनाने के लिए सबसे पहले 1 कप पानी को गर्म कर लें और इसमें 1 छोटा चम्मच आसाम टी लीव्स डालकर रख दें। आसाम टी बनने पर 1 पैन में 1/2 कप मिल्क को गर्म कर लें। मिल्क गर्म होने पर इसमें 1/2 चम्मच आसाम चाय पत्तियां और 1 चुटकी चाय मसाला डालें। अब एक बोल में 3 अंडे के योक्स और 3/4 कप ब्राउन शुगर डालें और अच्छे से मिला लें। मिक्स होने पर इसमें 400 ग्राम क्रीम और मिल्क मिक्सचर भी मिला लें। अब इस मिक्सचर को रैमेकिन बोल्स में फिल कर लें। एक बेकिंग टिन को 1/2 पानी से भर लें और रैमेकिन बोल्स को इसमें रख दें। अब इसे एक प्री हीटेड ओवन में 165 डिग्री पर 35 से 40 मिनट तक बेक करें। बेक होने पर क्रेम ब्रूले को थोड़ा ठंडा होने दें और फिर 2 घंटे रेफ्रिजरेट करें। टी क्रेम ब्रूले है तैयार। इसे गार्निश करें कैरामलाइज्ड ब्राउन शुगर और पुदीने की पत्ती के साथ।